Assalamualaikum warahmatullahi rahmatullahi wa barakatuh <laughs> samihin welcome welcome to the learning quran welcome to the learning quran and uh, this is dua bhatti and uh, we are reading the translations with nahal ki translation kar rahe nahal ki translation ka humne 60 ayat complete kar liye hain completed and 61 We are starting from 61st ayat सोत so, नहर की ट्रांसलेशन का सिलसिला है नंबर सिक्सटी वन से हमने स्टार्ट करना है चलिए स्टार्ट करते हैं बसमिल्लाम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत में करने वाला है वला यू आखिद और गिफ्ट गिफ्ट और अगर गिफ्ट फरमाए अल्लाह अल्लाह और अगर गिफ्ट फरमाए अल्लाह

तो ना पीछे हो सकती है आतन एक भर वला यस्तक्दिमून। यस्तक्दिमून। और ना आगे भर सकते हैं महावर तर्जमा देखते हैं और अगर अल्लाह ताला लोगों को उनके जुर्म के बिना पर पकड़ने लगे तो जमीन पर कोई ज़ानदार मखलूक बाकी ना रह जाती लेकिन वो एक मोया मुशे मु, तक ढील दिए दी जाता है फिर जब उनकी मुदत आ जाती है तो अल्लाह का अजाब एक घड़ी भी आगे पीछे नहीं हो सकता तो ज़मीन पर कोई ज़्यादा मखलूक बाकी ना रह जाती लेकिन वो एक मोयना अरसे तक ढील दिए जाता है फिर जब उनकी मदद आ जाती है तो अल्लाह का अजाब एक घड़ी गरीबी आगे पीछे नहीं हो सकता इंसान के गुनाह इतने कफीर हैं कि अजाब नाजिल होते ही रहें फिर इनके साथ से कोई भी जानदार ना बच सके जैसे अगर कहत नाजिल हो तो इसके साथ से इंसानों के अलावा जानवर भी हो जाते हैं जानवर भी इसके उसमें आ जाते हैं इस अजाब के अंदर आ जाते हैं वह अलू और तजवीज़ करते हैं अल्लाह के लिए माँ ना यकू वो अमूर जिनको ये नापसंद करते हैं अपने लिए बता अलसी ना तो हम और बोलती हैं उनके जमाने मुल्का मुल्का अजिबा मुल्क झूठ अल्लाह अम्लाम तो यकिन हम ही को मिलेगी मिलेगी मूल भलाई लाज लाजरा माला लाजमन उनके लिए तो आग ही है वह अन्ना और ये के और ये के वो सबसे पहले डाले जाएंगे उसके अंदर उसमें और लोग अल्लाह के लिए जो तजवीज करते हैं उसे खुद नापसंद करते हैं उनकी जुबान झूठ बकती हैं और उनके लिए भला उनके लिए भला उनके लिए भला ही है उनके लिए यकीनी चीज जो जहन्नुम की आग है और इसमें वो सबसे पहले धकेले जाएंगे यानी जो लोग अल्लाह का शरीक ठहराते हैं और वो चीज़ें अल्लाह के लिए तजवीज़ तो करते हैं जो खुद नापसंद करते हैं जैसे मुश्किन मक्का बेटियों को या फरिश्तों को अल्लाह की बेटियाँ नाउ कहा करते थे और वो बेटियों को नापसंद करते थे उनको जिंदा दरगोर कर देते थे तो ऐसे लोगों के लिए जन्हमुम की आग उनका इंतजार करिए और ये सबसे पहले उसके अंदर डाले जाएंगे तल्ला ही कसम अल्लाह की लक़द यकीनन अरसल ना हमने भेजे हमने हमने रसूल भेजे उन उनमा की तरफ मिन का जो तुमसे पहले थी फ़जयया ना लेकिन खुशनुमा बना कर दिखाया शैतुआन उनको शैतान ने मन उनके करतूत फ़हआ फ़हआ सो वही है वल, वली हम सरप्रस् उन लोगों का हम्योमा सरप्रस् उन लोगों का आज वुम अज़ाबलीम उन और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है अल्लाह की कसम हम आपसे पहले से पहले बहुत सी उम्मतों की तरफ रसूल भेजे जा भेज बे, चुके हैं तो शैतान उन्हें उनकी करतूत मुजयन करके दिखाता रहा और आज भी वही उन कुफार का सर इन कुफार का सरप्रस्त है और उन्हें अलमनाक अजाब होगा व मा ना और नहीं नाजिल की हमने अलही कल किताब अलह कल आ तुम पर लहीं कल किताब आ तुम पर यह किताब इलाली तो ना मगर इस गर्ज़ से एला ना मगर इस गर्ज़ से कि तुम खोल खोल कर बयान कर दो लहमुम उन लोगों के सामने जी वो बातें अला से अख्तिला ही वो बातें जिनमें ये अख्तलाफ करते हैं वह हद और हदायत व रहमत और रहमत है निकोमिन ये उन लोगों के लिए जो ममिन है हैं हमने आप पर ये किताब इसे नाजिक किया है कि जिन बातों में इख्ताफ करते हैं आप उनके लिए हकीकत वाजिया कर हैं नीज ये किताब ईमान लाने लाने वालों के लिए हदायत और रहमत है गोया जो किताब कुरान और इसका बयान यानी सुन्नत किताब कुरान और बयान इसका सुन्नत अल्लाह ताज फरमाई इसका मकसद है कि इख्त में हक किरा मुत की जाए ठीक है आज भी हम किताब और सुनत को हुक्म बनाकर आज भी हम इसमें इख्तलाफ खत्म कर सकते हैं नेक्स्ट आए देखते हैं वो और और वो अल्लाह और अल्लाह ने अनजल नाजिल किया मे समाई आसमान से माँ अन पानी फिर जिंदा किया बिही बिहिल अर्जा उससे जमीन को बदमी है उसके मुर्दा हो जाने के बाद इन्ना बेशक फिजा का इसमें फिजा अली का आयात फिजा फिजा अली काला आयात इसमें बड़ी निशानियाँ हैं कौमी उस्म उन लोगों के लिए जो सुनते हैं और अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया जिससे ज़मीन के उसके मुर्दा होने के बाद जिंदा किया बिलाशुबा इसमें भी लोगों के लिए निशानियाँ हैं जो गौर से सुनते हैं व इन्ना व इन्ना और 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 यकीनन लकुम फिल फिल अनआमी तुम्हारे लिए छुपा छुपाओ छुपायों में भी ला इब्राह एक सबक है नुस नुस्की कुम पिलाते हैं हम तुम्हें मिम्मा उसमें से फी बुतूनी ही जो उसके पेट में है मिम्बईनी मिम्बईनी फरसिम व दम मिन गोबर और खून के दरमियान से दम लबनन लबन खालिसन खालिस दूध सा इगन जो खुशगवार है लिशारी बीन पीने वालों के लिए नीज़ तुम्हारे लिए छिपाओं में भी चौपायों में भी इबरत है उनके बतनों में फजला और खून मौजूद होता है और उनके दरमियान से हम तुम्हें ख़ालि दूध पिलाते हैं जो पीने वालों के लिए खुशगवार है इस आयत में गौर फिक्र करने वालों के लिए बड़ी निशानी है मुख्त सा, मुख साइंस तहकीक़ात की रोशी में दूध बनने का अमल यूँ है दूध पिलाने वाले जानवर यानी मेमल्स की आँतों में जहाँ फजला फजला होता है इसे ख़ुराक के ख़ुराक केज़ा मयी अमल के ज़रिए होते हैं जिनसे दूध बनता है ये अज्जा खून की नालियों में एक पेचीदा निज़ाम के जरिए मुंतकिल हो जाते हैं खून इन खून इन इज़्ज़ा के जिसम को मुख्त्य हिस्सों में मुंतकिल कर देता है जहाँ खून की नालियों से ये अज्जा इनका दूध मेमोरी ग्लैंड में मुंतकिल होते हैं जो कि दूध बनाने का अमल मुकम्मल करता है याद है कि गर्दिश गर्दिश खून यानी कि ब्लड सर्कुलेशन का निज़ाम नज़ुल कुरान के लगभग एक हज़ार साल बाद रियाफत हुआ और फले में होने वालाई अमल जो फजले से दूध बनाने वाले करता है मज़ीद तीन सौ साल बाद रियाफत हुआ अब अगर कुर करीम की आयत को देखा जाए तो मालूम होगा कि किस तरह तकी अंदाज़ में दूध बनने के अमल के की वजाहत की गई है सुहैन अल्लाह बेशक अल्लाह बहुत बेहतरीन बेहतरीन खालक है व मनरती नक़ील वलानावी और खजूर और अंगूर के फलों में फलों में से कुछ ऐसे हैं तजूना तजूना बनाते हो तुम मिनहु उससे शा वजन हसना और बेहतरीन रिज़ इन ना बेशक फ़िजा अली का लयातान इसमें भी बड़ी निशानियाँ हैं लिखो मिन या किलून उन लोगों के लिए जो अक्ल से काम लेते हैं नीस खजूर और अंगूर के फलों से भी पिलाते हैं फलों से भी पिलाते हैं जिससे तुम शराब बना लेते हो और उम्दा रिस्क भी अहले अक़ल के लिए इसमें भी निशानियां हैं व और वही वही कर दी रब का तेरे रब नहली शहद की मक्खी को अनत्ता के बना पहाड़ों में मिनता अनित मिनल जिबाली के पहा के पहाड़ों में छत्ते ब के बना पहाड़ों में बुतन छत्ते शजरी और दरख्तों पर व मम ऋ रिशून और इन और इन छपड़ों में जिन में लोग बेले चढ़ाते हैं नीज आपके रब ने शहर के मक्खी की तरफ वही की के पहाड़ों में दरख्तों में और अंगूर वगैरह की बेलों में अपना घर यानी छता बना या वही का महफूम शहर की मक्खी की फितरत में यह सलाहियत और वदियत पैदा करना है वही का मायने तेज इशारा है ठीक है अच्छा सुम मा फिर खा कुम मा फिर खा कुली परखा मिनकुल समराती हर तरह के फलों में से फस्लु की फसलूकी की और चलती बैठी रह रबी का जु, जुलूला अपने रब की हमवार की हुई राहों पर यख रुजु निकलता है मिम्बूत है उनके पेट से शराब उन एक मशरूब उन मुख्तलिफ़ हैं अलवा नहु जिसके रंग फी शिफा इसमें शफा है इंसानों के लिए इसमें शफा है इंसानों के लिए इन्ना फ़ाली काला यक, आयातन आयातन यकिन इसमें एक बड़ी निशानी है ये कौमिन या तफक् उन लोगों के लिए जो गौर वफिक्र करते हैं पे हर किस्म के फल से रस जूस और अपने रब की हमवार करता रहो पर चलती रहे उन मक्खियों के पेट से का निकलता है जिसमें लोगों के लिए शफा है, है गौरव वालों के लिए की उसके शार बनाना शहद का लजीज मशरूब मौसर गजा होना तो सबको मालूम है लिहाजा यहाँ शहद का विदा होना अच्छा शहद का लजीज़ मशरूब मौसर गज़ा होता है तो ये तो सबको मालूम है लिहाजा यहाँ शहद का दवा होना जिक्र किया गया है में कुदरती सिर्फ ये है कि वो नमी नमी जज्ब करता है इस वजह से वो गल गलता सड़ता नहीं और जो चीज़ भी इसमें डाली जाए इसे भी महफूज रख रक, रखते हुए इसे भी महफूज रखता है इसके अज्जा वैसे तो वही हैं जो कि चीनी के होते हैं मगर वो इस हालत में होते हैं कि मैदे मैदे को इन्हें हजम करने की ज़रूरत नहीं होती इसलिए शहद फौरी तो मुहैया करने का बेहतरीन ज़रिया है जिस किस्म के फू, फूलों से ये रस लिया गया है इसके असर भी शहर में मौजूद रहते हैं गोए इस अंदाज से मखसूस तस्वीर रखने वाले फूलों फूलों से ऐसा शहद तैयार किए शहद तैयार किए जा सकते हैं जो कि मुख्त्य बीमारी में ज़्यादा मौसर हैं यार् सुबहान अल्लाह की शान है कि अल्लाह ने किस किस्म के लिए कितनी नेमतें हम सब के लिए अल्लाह ने बनाई हैं और अल्लाह ही ने पैदा किया तुमको पैदा किया है तुमको या कुम फिर वो तुम्हें मौत देता है वमिन कुम और तुम में से कुछ मयू वो हैं जो पहुँचाए जाते हैं इलाजरू बदतरीन उमर में बदतरीन उमर में लिका ला या ताकि वो ऐसे बूढ़े हो जाएं कि ना जान सके बादा बादा ये सब कुछ जानने के बाद कुछ भी इन्ना बेशक यकीनन अल्लाह है सब कुछ जानने वाला और बड़ी कुदरत कुदरत वाला अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया फिर वही तुम्हें मौत देता और तुम में से बास को रजील तरीन उम्र तक पहुंचा दिया जाता है ताकि ताकि इम के बाद वो कुछ ना जाने बिलाशुबल्ला सब जानने वाला और क़ादिर है तो क्योंकि हम में से कुछ कुछ लोग होते हैं कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा उम्र तक जाते हैं और बढ़ना तो अल्लाह पा अल्लाह पाक जानते हैं कि किसने जिंदा रहना है किसने मौत आनी है किसने कब मरना है ये सब चीज़ें अल्लाह की ज़्यादा जानती हैं अच्छा शहद के बारे में जो इसमें कुरान पाक में फरमाया गया अल्लाह पाक फरमाया कि शहद की मक्खी उसका शहद शे, शे, बनाना ये भी सारा एक अमल है इसमें अल्लाह ताला के लोगों के लिए बेशुमार जानने वालों के लिए बेशुमार निशानियां हैं ठीक है थीके? अब शहद बनाने में जो मादा मक्खी होती है ना फीमेल वर्क भी का बुनियादी किरदार होता है ये सिर्फ गुजतर चंद सालों में तजुर्बा की रोशनी में रियाफ़ किया गया वरना हमेशा से ये समझा जाता था कि शहद बनाने वाली मक्खी ना रोती है क़रना करीब ने फूलों के रस चूसने के लिए जो जो, जो फेर इस्तेमाल किया है वो सिर्फ मादा के लिए इस्तेमाल किया है तकरीबन एक किलोग्राम शहद बनाने के लिए मक्खी को चार मिलियन फूलों का रस चूसना पड़ता है मक्खी इस अमल के अमल के लिए बेमिसाल नजमो नस्ख का मुजाहरा करती हैं मक्खी दूसरी शहद की मक्खियों की मक्खियों तक फूलों के फासले और समत की मालूम मात पहुँचाने के लिए एक तकी निज़ाम इस्तेमाल करती है ये सब चीज़ें जो मक्खी को भी सिखाने वाली ज़्यादा है वल्ला कितनी की छोटी सी मक्खी है और अल्लाह ने इसको किस तरह से पैदा किया ठीक है सामीन ये हमारा सिलसिला है कुरान के सतना हल का हमने आयत नंबर सेवेंटी कम्प्लीट की है हमने आयत नंबर या एग्जेक्टली हमने सेवेंटी आयत कम्प्लीट की है इनशाला अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे जाने से पहले ये लाइक शेयर और सब्सक्राइब आई चैनल गो के सिर्फ सिलसिला है अल्लाह ताला के लिए है मुझे कोई ऐसा चीज़ में कोई नहीं है कि स्पेशली आप सब्सक्राइब करें या लाइक करें बस ये है कि शेयर कर लीजिए शायद कोई किसी को कुछ इसमें से मेरी आयत में से मेरी ट्रांसलेशन में से अल्लाह के क़लाम में से, में में से, से कुछ नया सीखने को मिल जाए और सच क्या जा तौर तो पर आप इसको शेयर कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा टेक केयर हाफिज़